एक लड़की का सुहागरात को इतलाक हो जाता है, कितना बुरा लगता है ना ये सुनकर। इतनी मेहनत से शादी की, पैसे लगाए, सपने सजाए थे, सब चूर हो गए। लेकिन कभी कभी तलाक भी अच्छे के लिए होता है। ये कहानी है एक राजू नाम के लड़के की और खुशी नाम की लड़की की। राजू और खुशी की शादी होती है बड़े धूमधाम से। खुशी सुहाग की सेज पर बैठी राजू का इंतजार कर रही होती है और राजू थाल में खाना लेकर, पकवान लेकर कमरे में आता है और पकवान इतने अच्छे होते हैं कि पूरी कमरे में पकवानों की खुशबू फैल जाती है। राजू बोलता है कि चलो खुशी, हम आज मिलकर खाना खाएंगे साथ में। तो खुशी बोलती है कि इस घर में माजी और हम दो ही हैं, तो माजी को भी बुला लो, हम साथ में खाना खाते हैं। लेकिन राजू बोलता है कि माजी सो गई है, उन्होंने खाना खा लिया होगा। तो खुशी बोलती है कि मैंने उन्हें खाना खाते हुए नहीं देखा, प्लीज़ आप बुला लो उन्हें। तो राजू बोलता है कि यार क्यों जिद कर रही हो, हम साथ मिलकर, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, हम साथ मिलकर खाना खाएंगे। तो खुशी बोलती है नहीं, माजी को बुला लो, वो भूखी है, सो गई है, तो उन्हें बुला लो। तो राजू बोलता है कि वो नींद में है, उन्हें जब भूख लगेगी वो खा लेगी, काम से थकी हुई होंगी। ये सब बातें सुनकर फिर भी उसे खुशी बोलती है, बार बार बोलती है कि आप माजी को बुला लो। लेकिन राजू यही बोलता है कि हम खा लेते हैं, हम प्राइवेसी में खाएंगे, हम बातें करेंगे। तो खुशी को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी और उसने जस्ट उसी समय डिवोर्स का फैसला ले लिया और उनका डिवोर्स हो भी गया। डिवोर्स होने के बाद खुशी दूसरे लड़के से शादी कर लेती है और राजू दूसरी लड़की से शादी कर लेते हैं। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं। खुशी के दो लड़के हुए, खुशी ने उसे अपने हिसाब से संस्कार दिए, राजू ने उन्हें अपने हिसाब से संस्कार दिए अपने बच्चों को। इन बातों को लगभग 20 साल बीत गए और 20-25 साल बाद खुशी ने अपने बच्चों की शादी कर दी, नाती पोते हो गए, सब हो गए। और उसके बाद उसने अपने बच्चों को बोला कि देखो बेटा, मेरी उम्र हो चुकी है और मैं अब तुम्हारी खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करने चाहती हूँ और मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहती हूँ, तो आप मेरा बंदोबस्त कर दो, मैं चली जाऊँगी। लेकिन खुशी के दोनों बेटे अपनी माँ को लेकर चारों धाम की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। यात्रा के दौरान खुशी और उनके बेटे एक मंदिर के बाहर बैठकर भगवान के दर्शन करने के बाद बैठे थे और वहीं पे उनके बेटे ने खाना ले आया और बोला कि चलो माँ, हम खाना खाते हैं साथ में। तो खुशी ने देखा कि उसके सामने सड़क क्रॉस करने के बाद में और वहाँ पे एक भिखारी बैठा हुआ है, फटे हाल में है, एकदम नया भी नहीं है, गंदे तरीके से बैठा है। तो खुशी ने बोला कि वो भिखारी उसे देख रहा था, बार बार उस खाने को देख रहा था, खुशी को देख रहा था। तभी उसने बोला कि पहले जाओ तुम उन्हें वहाँ से उठाओ, उन्हें नहलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ और उनको लेकर आओ, हमारे साथ वो भी खाना खाएंगे। तो उनके बेटों ने उनकी आज्ञा का पालन किया और बोले ठीक है माँ, जैसे आप बोलोगी वैसा होगा। और वो उन्हें वहाँ से लेके जाते हैं, नहला के अच्छे कपड़े पहना कर माँ के सामने लेके आते हैं। तो खुशी एकदम चौंक जाती है, क्यों? क्योंकि वो और कोई नहीं, उसका एक्स हस्बैंड राजू था। तो उसने उनसे पूछा कि आपकी ये हालत कैसी हो गई, आप यहाँ कैसे आ गए? तब राजू खुशी से नजरें नहीं मिला पा रहा था और उसने बोला कि मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिए, मुझे ठीक से खाना नहीं देते थे, मेरी कोई बात नहीं मानते थे, मुझे नौकरों से बदतर ट्रीट करते थे और मेरी हालत यह कर दी कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो खुशी ने बोला कि ये तो मुझे उसी समय पता चल गया था कि ये हालत होगी, जब आपने मेरे बार बार बोलने पर माजी को खाने के लिए नहीं बुलाया था। जब हम
अपने माता पिता के साथ अगर गलत व्यवहार करेंगे तो ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनसे प्यार करो और अपने बच्चों को भी वही संस्कार दो, क्योंकि बच्चे बोलने से ज़्यादा देख कर सीखते हैं। अगर हम अच्छा बिहेवियर करेंगे, अच्छे से सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि हाँ, हमारे घर में कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छे से व्यवहार करें अपने माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, फिर भी बच्चे हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। इसका एक कारण और भी होता है कि बच्चे घर से अलग उनकी एक दुनिया और भी होती है, जिसमें दोस्त होते हैं, हो सकता है गर्लफ्रेंड भी हो और शादी के बाद वाइफ भी होती है, उनकी पत्नी होती है। तो बच्चा दोस्त के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, पत्नी के साथ, हो सकता है उनमें से कौन सा इंसान गलत संगत में है, पता नहीं चलता है कि कौन सा नेगेटिव इंसान है। तो आप अपने बच्चों को बुरी संगत से भी दूर रखें, क्योंकि एक इंसान जब अच्छे संगत में होता है तो वो अच्छे संस्कार सीखता है, और बुरी संगत में पड़ जाता है तो एक अच्छा खासा आदमी या औरत, हर इंसान बदल जाता है। वो संगत उसके ऊपर हावी हो जाती है, उसके माइंड में वो इंसान रहता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, फिर उसे सही इंसान की सही राय भी गलत लगने लगती है और वो अपने माँ बाप के खिलाफ हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों को ये भी समझाएं कि कौन सी गलत संगत है, कौन सी अच्छी संगत है, क्योंकि उन्हें वो फर्क शायद समझ में ना आए। इसलिए अपने बच्चों को स्टार्टिंग से, जब वो स्कूल में जाए तब से ही सिखाएं कि ऐसे बात करने वाले, ऐसा व्यवहार करने वाले इंसान सही नहीं है, तो उनसे दूरी बना के रखें ताकि वो आगे जाके आप पर ही हावी ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।